गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ के रूप में पूजने का त्योहार है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के ब्रज में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ये सभी लीलाएं उनके बाल्यकाल की हैं। इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला भी प्रमुख है। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट कान्हा ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए तो माँ यशोदा घर में पकवान बना रही थी। कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो? आज कोई पर्व है मैया जो आप इतने तरीके के पकवान और व्यंजन तैयार कर रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा ये स्वादिष्ट पकवान। अभी नहीं कान्हा, ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए है। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी, जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। 7 बरस के नन्हे कान्हा पहले तो माँ यशोदा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। फिर वो यशोदा माँ से बोले, मैया क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? क्या वो कभी आपके सामने आए हैं? नहीं कान्हा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और इंद्र देवता ही हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं। इसलिए सभी ब्रजवासी आज इंद्र देवता की पूजा के भोग के लिए अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। माँ इस बार आप मेरे द्वारा बताए भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। पर लल्ला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नंद बाबा आ जाते हैं। क्या बातें हो रही हैं? यशोदा तुम दोनों माँ बेटों के बीच में क्यों कन्हैया, आज फिर से किसी का माखन चुरा कर खाया है क्या, या फिर किसी गोपी ने तुम्हारी शिकायत यशोदा से की है? नहीं बाबा, मैं तो बस मैया से ये कह रहा था कि इंद्र देवता की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो वो आप लोगों के हाथ के बने पकवान स्वयं मांग कर खाएंगे, और देखना मेरे बताए देवता को पकवान भोग लगाने से इस बार अपने ब्रिज में पहले से भी अधिक वर्षा होगी। पर कान्हा, कई वर्षों से हम इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं, क्या ब्रिजवासी इस बार तुम्हारे बताए देवता की पूजा करेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? एक बार हमें उनसे भी बात करनी होगी कान्हा। नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासियों के पास जाकर बात करते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, कान्हा कहाँ है गोवर्धन देवता? उन्हें बोलो सामने आए, हमें तभी विश्वास होगा कि तुम सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे देवता स्वयं ये पकवान खाएंगे। हाँ कृष्ण, बुलाओ इन देवताओं को, हमें भी देखना है कि ये देवता हम ब्रिजवासियों का भोग स्वीकार करके वर्षा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। कान्हा ने जब देखा कि सभी ब्रजवासी चिंता में व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने गोवर्धन भगवान को आवाज लगाई, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं, आप प्रकट होकर इन सभी ब्रिजवासियों का भोग ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण की आवाज को सुनकर गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांग कर खाया। हे कृष्ण, आपकी धरती पर मुझे ये गर्वित स्थान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सदियों तक आपका आभारी रहूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, और आज आप सभी के द्वारा खिलाए गए स्वादिष्ट पकवान खाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। मैं सदैव ब्रजवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा नारायण। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और भगवान गोवर्धन सभी ब्रजवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। सभी ब्रजवासी खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो वो नाराज हो गए और क्रोध में आ गए। उस 7 बरस के बालक के कहने में आकर
ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक साधारण पर्वत की पूजा की। वो ब्रजवासी मेरे क्रोध को जानते नहीं है। पूरे ब्रज को वर्षा के कहर में डुबो दूंगा। देखता हूँ कौन बचाता है उन ब्रजवासियों को। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे डर कर ब्रजवासी कान्हा के पास गए। कान्हा, हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की, अब तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे। मूसलाधार तेज वर्षा से सारा ब्रज गांव तितर बितर हो रहा है, हमें बचाओ कृष्ण। आप सब घबराओ नहीं, सभी गांव वाले मेरे साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चलिए। चलो सब गांव वाले कान्हा के पीछे पीछे चलो। तब कृष्ण सब लोगों के साथ गोवर्धन पर्वत पहुँचे। ब्रजवासी घबरा रहे थे। ये देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होते चले गए और कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में 7 दिन और 7 रातें मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा, अब तक तो पूरा ब्रज खत्म हो गया होगा, इस नजारे को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। अरे ये क्या, यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है, वर्षा की एक बूंद इन ब्रजवासियों पर नहीं पड़ी, ये क्या, ये कैसे संभव है। इंद्र देवता को शंका में देख ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र, शंका में मत आइए, ये तो भगवान विष्णु के द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार की बाल लीला का ही एक सुनहरा चित्रण है। हे ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। वहीं कृष्ण 21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए थे। इस नजारे को देख इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। हे दीन दयाल, हे नारायण, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अहंकार में वशीभूत था, आपको पहचान नहीं सका। इंद्र देव, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मेरे हृदय में बैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं तो प्रेम की परिभाषा से ही इस पूरे संसार को उजागर करता हूँ, जो कोई भी मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करेगा मैं सदैव उनके समक्ष रहूँगा। इसके पश्चात इंद्र अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा, कान्हा, तुमने इतना विशाल और भारी गिरिराज पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पर कैसे उठा लिया। अरे ये तो कान्हा के बाएं हाथ का खेल है, अपना कान्हा तो सबसे अलग है, इसके होते हुए ब्रिज की भूमि और यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कान्हा बताओ तो, तुमने ये कैसे किया। इन सब बातों को सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए, और आज से अब युगो युगो तक धरती पर गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रचलन रहेगा। और फिर भगवान कृष्ण के दिए आशीर्वाद से द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चलती आ रही है। खास तौर पर ब्रज में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की पूजा की जाती है, इसे अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा में सुबह के वक्त शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं और तत्पश्चात गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है।